देखो, जितने भी प्रदेश भर के NHM कर्मचारी हैं, ये काफी समय से नियमित करने की मांग है कि हमारे लिए रेगुलेशन की पॉलिसी बनाओ और हमारे को समान काम समान वेतन दिया जाए। हम लोग इस संदर्भ में काफी बार गवर्नमेंट से पत्र व्यवहार भी कर चुके हैं, लेकिन वो कोई भी लिखित में हमारे को देने को तैयार नहीं है, जिस कारण आज हमें मजबूरन इस हड़ताल पे बैठना पड़ा है। हमारी सैलरी सिर्फ 15,000 है और 10-10 साल हो गए हमें लगे हुए, और जो रेगुलर है उनकी 40-40 हज़ार है। तो इसी खिलाफ से तो हमारा, वैसे तो कहते बेटी बचाओ, फलाना करो, महिला को ये दो। पहले तो सभी NHM कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो NHM से संबंधित हैं, उनको अच्छी तरह से बता दिया गया है, समझा भी दिया गया है कि भाई अब ये जो स्ट्राइक करने का जो रास्ता है वो ठीक नहीं है। आप जो बातचीत के जरिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पहले भी आपको ये जो आश्वासन दिया है, और उसके अकॉर्डिंगली सारी आपकी डिमांड्स को डिस्कशंस के बाद माना जाएगा। किंतु स्ट्राइक करने से जो सुव्यवस्था है गरीब लोगों के लिए, जो व्यवस्था है, जो गंभीर रोगी हैं उनको प्रॉब्लम आने की हमेशा अंदेशा रहता है, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी आता है, एथिक्स भी आते हैं, इन सब को देखते हुए आप स्ट्राइक ना करें। किंतु इन्होंने अभी ये वाली बात, अभी ये स्ट्राइक पर हैं, और इसलिए हमने जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स किए हैं, सभी SMO इंचार्जेस, हॉस्पिटल इंचार्जेस, प्रभारियों को आदेश दिए गए हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि रेगुलर कर्मचारी तथा रेगुलर अधिकारी, जहाँ जहाँ पे भी NHM के अधिकारी या कर्मचारी पोस्टेड हैं, वहाँ पे रेगुलर कर्मचारी और अधिकारियों को लगाकर काम कराया जाए, और वहाँ पे लगा भी दिए गए हैं। ड्राइवर्स, जो एम्बुलेंसेस के जो ड्राइवर्स हैं, वो भी स्ट्राइक पर हैं। हमने पहले से ही, हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो दूसरी जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हमारी डिस्ट्रिक्ट की हैं, जो हमने हायर की हुई हैं स्कूल हेल्थ के लिए, हमने वो गाड़ियाँ एम्बुलेंस सर्विसेज पे लगाई हैं। अपने हॉस्पिटल, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो 3 गाड़ियाँ हमने स्टैंड बाई रखी हैं, 2 गाड़ियाँ हमने सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट और 2 गाड़ियाँ सिविल हॉस्पिटल नारायणगढ़ पे रखी हैं, और हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एम्बुलेंसेज से और उनके जो हॉस्पिटल इंचार्जेस हैं प्राइवेट, उनसे बात कर रखी है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो गंभीर रोगियों को किसी भी प्रकार से दिक्कत आने नहीं दी जाएगी।